वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का मैच इंडिया वुमेन वर्सेस साउथ वुमेन, ये 20 ओवर का मैक्स मैच। दोस्तों आज तो जीता इंडिया ने पहले फैसले की बैटिंग है। दोस्तों आज 4 पे इंडिया सिमट गई। नहीं दोस्तों आज बैटिंग में दोस्तों स्मृति मंदाना और जमिया रोड आई 0 पे नॉट आउट। स्मृति मंदाना और जेमी रेडिगेज 4 पे नॉट आउट। एक चौका आया था फर्स्ट इंडिया का, 6 गेंद में 4 रन बनाए, 6.6 की रिस्ट रेट। टोटल उसके बाद 4 रन बनाए थे 2 ओवर में, और उसके बाद आ गई बारिश के कारण मैच हो गया रद्द। दोस्तों बात करेंगे बैटिंग नहीं कर पाए, यशिता भाटिया, हर्षलिन डियोर, हरमप्रीत कौर, कैप्टन देविका विद्या, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्तकार के साथ राधा यादव, शिखा पांडे, राजेश गायकवाड़ करेंगे बैटिंग। खराब मौसम के कारण मैच हुआ रद्द। 4 रन बना के 2 ओवर में जो टीम रही नॉट आउट। दोस्तों देखते हैं बॉलिंग किस तरह से रही थी साउथ अफ्रीका टीम की, आज किस तरह से बॉलिंग करके आज का मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया वुमेन के बीच का ये सेकंड लास्ट सेमीफाइनल। इसके बाद फाइनल पहुंचेगी इंडिया टीम। इंडिया वेस्टली साउथ अफ्रीका का T20 सीरीज का मुकाबला आज फिर से हुआ रद्द। 4 रन बना के 2 ओवर में 4 रन बनाए थे इंडिया टीम ने। दोनों बल्लेबाजों से अच्छे गेंद खेली और जमीरा के बल्ले से आया एक चौका और 4 रन आया इंडिया के खाते में। 2 की रही करंट रन रेट। दोस्तों बात करेंगे बॉलिंग की और स्क्वाड साउथ अफ्रीका की किस तरह से रही थी। बात करें सुबिन इस्माइल और मलबा, दोनों बॉलर डाले थे। एक ओवर में 1 मिनट निकला था इस्माइल ने। और दोस्तों मलबा के एक ओवर में 4 रन आए थे, 4 की एक नंबरी। बैटिंग की बात करें साउथ अफ्रीका में बैटिंग में टस्मैन ब्रेंट लोरा वॉलमेंट केप सन लूज कैप्टन सोलसन नरेशन नवीन ब्रेकलेट सेंगलर सुप्ता टूमी सुबमिनी और मलबा करते थे बैटिंग। साउथ अफ्रीका में इंडिया में 19। दोस्तों इसमें T20 का मुकाबला सेकंड मैच था, मैच का रद्द हो गया। इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया ने टॉस जीता पहले फैसला के बैटिंग का अच्छा फैसला ले। खराब मौसम के कारण बारिश के कारण मैच हो गया रद्द। 4 बना कोई रिजल्ट आया इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका, नो रिजल्ट। दोस्तों अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इंडिया पहुँच चुका है फाइनल में वेस्ट इंडीज के साथ में, वेस्ट इंडीज़ के साथ में इंडिया का मैच होना है।